खरकीपोड़ी क्षेत्र में हाथीपुल के पास युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि खरकीपोड़ी क्षेत्र में एक ढाबे पर काम किया करता है। आपसी कहासुनी में एक युवक ने कन्नू के सिर पर गोली मार दी, जिससे कन्नू की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई युवकों को हिरासत में ले लिया है। SSP हरिद्वार ने बताया कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। 5:45 के बीच जो सूचना आई थी कि एक युवक को गोली मार दी, तो तत्काल पुलिस टीम पहुंची थी। युवक की शिनाख्त जो है करण और कन्नू के जो कनखल का निवासी है, करीब 20 साल उसकी उम्र है, और इसके बाद इसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मौके पर जो पूछताछ की गई पुलिस द्वारा तत्काल घटना पर सीनियर अधिकारी पहुंचे, तो जानकारी मिली कि एक युवक और दो अन्य युवक थे, एक के द्वारा फायर किया गया, दो और युवक थे जो साथ में भागे वहाँ से। लगातार हमारी टीमें जैसी इस बात को मिली CCTV फुटेज अन्य पूछताछ के आधार पर टीम लगाई गई थी, और टीम को अभी इस पर जो एक हमलावर मेन था जिसका नाम है हर्षित चड्डा, उसको अभी पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या कारण रहा, किस कारणों से यह हत्या की गई और ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, सारी चीज़ें पूछताछ के बाद क्लियर पाएंगे। लेकिन अभी तक एक केस में जो मेन हमलावर था उसको गिरफ्तारी हो गई। ये भी लोकल कनखल के ही है, अभी तक जो जानकारी मिली है कि कुछ पुराने विवाद भी थे, क्या विवाद तक किस हद तक उनका था, इसके पीछे कई अन्य लोग तो शामिल नहीं सत्या को कराने में, लेकिन जो मृतक है उसके खिलाफ भी 10 मुकदमे पंजीकृत हैं थानों में, विभिन्न थानों में। ये सारी जानकारी मिली क्योंकि अभी अरेस्टिंग अभी हिरासत पर लिया गया, पूछताछ चल रही है, इसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट होगा। किस तरह के मुकदमे हैं 10 में? उसमें से 307 के भी हैं आबकारी के भी हैं, हाथी गुंडा के भी है, मारपीट के भी मुकदमे। घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया? घटना में प्रातः जो बताया गया प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा कि मौके पर ये व्यक्ति जो मृतक है वो लेटा हुआ था वहाँ पर, और ये जो हमलावर है वो आया और एकदम उसके सटाकर जो शरीर पर मतलब हेड पर उसको शॉट किया गया, जिससे उसका भेजा उड़ गया, उसके मौके पर ही टक्कर।